हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं और जो हमारा वोकैबुलरी का सेशन है, अभी हम रूट्स वर्ड्स पर हमारा एंड हो गया है। रूट्स वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स थे हमने पढ़ लिए हैं और आने वाले समय में भी हम न्यू रूट्स वर्ड पढ़ेंगे। बट अभी हम बात करेंगे वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी हमारे लिए और हमारे एग्ज़ाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो इसका 60% जो भाग है वो वोकैबुलरी का आता है। कोई भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए। इसलिए हमें वोकैब डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली हम आपके लिए 10 वोकैब्स लाए हैं। 10 वोकैब्स यानी कि 10 आपको डेली 10 मीनिंग्स देंगे याद करने को, 10 वर्ड्स देंगे, उस वर्ड्स के ऊपर आपको वोकैब तैयार करना है। तो देखिए, आज का जो हमारा वोकैब का जो फर्स्ट, देखो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट्स वोकैब लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। उसमें ए लेटर के, लेटर ए अल्फ़ाबेट वाल से, जो लेटर ए के जो इम्पोर्टेंट्स है वोकैब जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट वर्ड जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, देखो फर्स्ट वर्ड इज़ एबेंडन। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट वर्ड इज़ एबेंडन। इसका मीन्स क्या होता है समझ लीजिए, इसका मीन्स होता है पूर्णतया छोड़ देना। क्या होता है? पूर्णतया छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है। मीनिंग्स क्या है? टू गिव अप कम्प्लीटली, गिव अप कर देना कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। इसके जो सेनोनिम्स दिए हमें, देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या है, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि इसमें हम सेनोनिम्स भी कंप्लीट कर लेंगे, एंटोनिम्स भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी ए लेटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। पर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स और होंगे, जैसे कि हमारे सेनोनिम्स से भी अभी वो और क्लास ली जाएगी अभी आपकी। अभी ओनली बुक है, एक वर्ड्स पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा एवेंटन है, उसका जो सेनोनिम्स है फर्स्ट वो क्या है, रिलिक्विंस। रिलिक्विंस माने भी क्या होता है, त्यागना। मीन्स क्या होता है इसका, त्यागना। फोरगो और फोरसेक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी, मीन्स इसका क्या होता है, त्यागना या रिलीफ करना या गिव अप कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, एंटोनिम्स इसके क्या होता है, एंटोनिम्स ये होता है उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा या विपरीत। तो इसका जो फर्स्ट है कीप, कीप मीन्स क्या होता है, रखना, त्याग देना, रखना, क्या उल्टा हो रहा है हमारे साथ। रेस्टोरेंट भी इसका एक एंटोनिम्स है। और इसका जो देखो हमें दिया है, इसकी जो ट्रिक है याद करने की, याद कैसे करना है आपको, एबेंडन आपको याद कैसे करना ये समझ लीजिए। देखो एबेंडन से हमें क्या, डॉन, क्या दिख रहा है यहाँ पे, डॉन, ठीक है। डॉन किसको पकड़ने आए थे, ए बी को, ए बी को पकड़ने कौन आए, डॉन, ठीक है। फिर उनसे क्या मांगा, उन्होंने पैसे मांगे और उन्हें छोड़ दिया। डॉन ने ए बी से पैसे मांगे और ए बी क्या बोलते हैं हम, अमिताभ बच्चन जी हमारे, उनसे पैसे मांगे और अमिताभ बच्चन जी को छोड़ दिया, रिलीफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक्स के याद करना पड़ता है जब माइंड में रहता है हमारी सारी चीज़ें। तो सेकेंड वर्ड्स पर बात करें हम लोग, सेकेंड वर्ड इज़ ए बॉस। ए बॉस क्या है यहाँ पे, देखो ए बॉस होता है हमारा लज्जित करना, किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को लज्जित कर देना, ठीक है। इसका जो मीनिंग्स है, टू यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देना। टू कन्फ्यूज, खोने के बाद कैसा रहेगा वो, कन्फ्यूज, ठीक है। इसका जो सेनोनिम्स है वो समझ लीजिए, फ्लस्टर इसके सेनोनिम्स हैं, और डिसकंसर्ट और डिसकम्फर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हमारी कन्फ्यूज से रिलेटेड हैं, यानी कि लज्जित होना। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है सेल्फ पजेस। सेल्फ पजेस यानी क्या होता है, धीरज रखना, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सेल्फ पजेस मीन्स धीरज रखना। इसकी जो की है वो कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे याद करेंगे हम इसको, ए बॉस, देखो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, ए बी, ए बी मीन्स अमिताभ बच्चन जी हमारे, ए बी बॉस, यानी ए बी को बॉस कर दिया, बॉस मीन्स धो दिया, ए बी को धो दिया। धोना क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को लज्जित कर देना, लज्जित कर देना यानी उसकी इंसल्ट कर देना, क्या होता है, धोना, ठीक है। इससे हम याद कर लेंगे, ए बी को धो दिया यानी कि लज्जित कर दिया, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा हो गया, लूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे हम, थर्ड वर्ड है हमारा ए बी डिकेट। ए बी डिकेट क्या होता है,
ये भी हमारा क्या होता है, त्यागना। इसके जो सेम जो सेनोनिम्स है हमारे वही रहेंगे, टू गिव अप कम्प्लीटली, ठीक है। सेनोनिम्स इसका और रहेगा रिलीक्विंस, एबेंडन, ये सारे क्या है सेनोनिम्स है इसके। सेंटेंस देख लीजिए, ही एबिडिक्टेड द पोजिशन, उसने क्या त्याग दिया, अपनी पोजिशन को त्याग दिया। पोजिशन क्या थी इसकी, ऑफ MLA, MLA की पोजिशन को त्याग दिया। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रिज, एब्रिज क्या होता है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एब्रिज। एब्रिज क्या होता है, टू शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना, शॉर्ट करना मतलब संक्षेप में कर देना, ठीक है। कोई भी हमारा स्पीच है उसको शॉर्ट स्पीच कर देना या शॉर्ट मूवी कर देना, किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को शॉर्ट्स कर देना, टू शॉर्टन। सेनोनिम्स इसके क्या बनेंगे हमारे, सर्टेल, डेमिनिस, ये हमारे क्या है इसको, इसका मीनिंग्स भी क्या होते हैं हमारे, शॉर्ट कर देना, यानी कि ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं इसके, एंटोनिम्स हमारे प्रोट्रैक्ट और एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्या होता है हमारा, देखो ये वर्ड हमें बहुत बार पूछा गया, एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई आपको सारी चीज़ें याद करनी है, देखो आपको ओनली एक वर्ड याद नहीं करना, अभी हम एब्रिज पर बात कर रहे हैं तो इससे हमारे कितने वर्ड्स याद हुए हैं, देखो फर्स्ट एब्रिज याद हुआ, सेकंड हमारा सर्टेल याद हुआ, इसका मीन्स भी क्या होता है संक्षेप करना, थर्ड डेमिनेस याद हुआ, फोर्थ क्या प्रोट्रैक्ट, फाइव एम्पलीफाई, यानी एक वर्ड से हम कितने वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, फाइव वर्ड्स, ठीक है। एक वर्ड से हम एटलीस्ट फाइव वर्ड सीख रहे हैं, तो इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पढ़ रहे हैं। अगर हम 10 मीनिंग्स भी डेली करते हैं तो 10 × 5, 50 मीनिंग्स हम अपने माइंड में डेली सेव कर रहे हैं। 50 मीनिंग्स एक बड़ा नंबर है आपको डेली याद करने का, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वोकैब कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है इसका जो मीनिंग्स, वो कैसे याद करना है इसको, ट्रिक्स दी होती हैं कुछ चीज़ की, हम बनाते हैं ट्रिक्स को, ठीक है। आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। एब्रिज क्या होता है देखो यहाँ पे क्या दिया है हमारा, ए ब्रिज, ब्रिज इससे निकालेंगे हम ब्रिज, क्या निकालेंगे ब्रिज, ब्रिज क्या होता है हमारा, पुल, ठीक है। ब्रिज कैसा रहता है हमारा, बहुत सारा लंबा होता है ब्रिज, बड़ी बड़ा ही तो होते हैं ब्रिज, छोटे तो नहीं होते ना, ब्रिज क्या है हमारा बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और ए ने आके आगे, ब्रिज के आगे ए आके उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ए ने ब्रिज को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट मीन्स छोटा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ब्रिज मीन्स शॉर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सीट चेंज करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एविस्टिमियोस। एविस्टियो मीन्स क्या होता है देखो यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग, एविस्टियो मीन्स क्या होता है, मीनिंग्स क्या दी है हमें, मॉडरेट इन द यूज और टू फूड एंड ड्रिंक, यानी कि खाने पीने में संयम रखना, इसका मीन्स क्या है, खाने पीने में संयम रखना, किसी भी चीज़ को खा लेना, मतलब एज ए डाइट्स के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को कैसे खाना चाहिए, डाइट्स के अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, हमें जो भी मिलता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एवेस्टिमियोस। इसका जो सेनोनिम्स है वो समझ लेते हैं, टेम्परेट है फर्स्ट, सेकेंड है इसका, टेम्परेट मीन्स भी क्या होना है, उल्टा सीधा खा लेना, कुछ भी खा लेना विदाउट डाइट्स के, ठीक है। एंटोनिम्स है इसका ग्लूटूनस, ग्लूटूनस क्या होते हैं, हिंदी मीन्स क्या है इसका, भक्षक, क्या है, भक्षक, ठीक है, खाने पीने से संयम रखना। एविस्टिमियस क्या है, खाने पीने में संयम रखना, और भक्षक क्या है, कुछ भी चीज़ों को खा लेना। देखो इसका जो हमें ट्रिक है वो कैसे याद करना है इसको, ABS, ABS क्या होते हैं हमारे, एप्स, एप्स को बोल सकते हैं हम ABS, जो बॉडी बिल्डर के होते हैं एप्स, ठीक है, एबो। और TEM क्या बोल, TEM से बना लेंगे हम सिस्टम, सिस्टम यानी कि हमें ऐप बनाने के लिए सिस्टम से खाना पीना पड़ता है, सिस्टम से मीन्स मतलब डाइट्स के अकॉर्डिंग खाना पीना पड़ता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, खाने पीने में संयम रखना, ठीक है, कंट्रोल करना खाने पीने में।
नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एकेडमिक। एकेडमिक क्या होती है? शास्त्रीय। एकेडमिक क्या होता है हमारा? शास्त्रीय। फोर एजुकेशनल, सिनोनिम्स है इसके स्कॉलरस्टिक, यानी कि पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है। और एंटोनिम्स है इसके प्रैक्टिकली, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर लैब में सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, तो वो ज़्यादा हमें समझ में आती हैं। स्कॉलरस्टिक मतलब क्या होता है? ऐसे कि हम किसी भी बुक्स में से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली करेंगे उसको तो वो समझ में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड है हमारा व्यवहारिक। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक। इसमें ट्रिक क्या है? एकेडमी में क्या होती है? एजुकेशन होती है, तो स्कॉलरस्टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एसिड। एसिड क्या होते हैं हमें? टू एग्री। एसिड मीन्स क्या होता है? टू एग्री, यानी कि मान लेना। देखो यहाँ पे बढ़ दिया है एसिड। एसिड मीन्स होता है हमारा टू एग्री, मान लेना। और इसके सैनोनिम्स है टू एग्री। टू एग्री सैनोनिम्स क्या है? एसेंट। एसेंट मीन्स भी क्या होता है? मान लेना या एज्यूम करना किसी भी चीज़ को। और एंटोनिम्स है इसके डिमोर। डिम्योर क्या होता है? मना कर देना। क्या होता है? मना कर देना या इनकार कर देना। ट्रिक क्या है इसकी? देखो एसिड से हम क्या निकालेंगे? एसिड, ACID, एसिड जो पीने वाले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। देखो रामू ने क्या कहा? मोनू से कहा मैंने क्या पी लिया? एसिड पी लिया। क्या पी लिया? एसिड पी लिया। तो इससे हमें क्या होगा? एसिड से क्या हो जाएगा? एकेड। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा एसिलरेट। एसिलरेट होता है तेज कर देना, किसी भी चीज़ को तेज कर देना एसिलरेट होता है। टू क्विकन, क्विकन मीन्स फास्ट। सिनोनिम्स है इसके एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज। और एंटोनिम्स इसके क्या है? रिटायर्ड। कोई भी चीज़ अगर रिटायर्ड हो जाती है तो वो कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो वही है हमारा रिटायर्ड, इसके एंटोनिम्स रिटायर्ड। और ट्रिक कैसे याद करेंगे हम? एक्सेलरेट क्या होता है? एक्सेलरेट होता है हमें बाइक में, क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है, जिससे हम ऐसे करते हैं बाइक को, वो एक्सीलरेटर हम ज़्यादा देते हैं तो बाइक बहुत तेज चलने लगती है। इसी से हम याद करेंगे एक्सीलरेट मतलब बहुत ज़्यादा तेज। नेक्स्ट इज हमारा है एकॉर्ड। एकॉर्ड क्या होता है? देखो ये दिया है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड क्या है? इसका मीन समझ लेते हैं हम। एग्रीमेंट समझौता करना, किसी भी चीज़ में समझौता करना क्या है? एकॉर्ड। सिनोनिम्स बनेंगे इसके कंसर्ट, और एंटोनिम्स बनेंगे इसके डिस्कॉर्ड। ठीक है, आगे DIS लगा देते तो क्या होता है हमें? नेगेटिव। डिस्कॉर्ड हो गया, कंसर्ट हो गया। ट्रिक कैसे याद करेंगे एकॉर्ड की? एकॉर्ड देखो, एकॉर्ड बेसिकली क्या है? एकॉर्ड एक कार का नाम है। ठीक है, कार का नाम है, क्या है? एकॉर्ड। तो क्या है? बेटा और पिताजी के बीच समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि अगर तुम फर्स्ट आते हो अपने स्कूल में या अपनी क्लास में तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? एकॉर्ड। एकॉर्ड कार तुम्हें गिफ्ट दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जो वोकैबुलरी का सेशन था वो एंड हो गया है। तो ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमेंट करके बताइएगा हमें कैसे लगा है आपको वीडियो। तो वीडियो को कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।